शुड, एडवाइस और सजेशन और ओपिनियन, मतलब सलाह या सुझाव या राय देने के लिए यूज होता है। हम इसमें शुड के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिसको बेस फॉर्म भी कहते हैं, वो यूज करें। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको ज्यादा सब्जी खानी चाहिए, यू शुड ईट मोर वेजिटेबल्स। आपको मुस्तकबिल मतलब फ्यूचर के लिए पैसे बचाने चाहिए, यू शुड सेव मनी फॉर द फ्यूचर। मेरी राय में आपको रेड शर्ट खरीदना चाहिए, इन माई ओपिनियन यू शुड बाय द रेड शर्ट। शुड ऑब्लिगेशन या ड्यूटी मतलब कर्तव्य या फर्ज को भी एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है। इसमें भी हम शुड के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। बाइक चलाते वक्त आपको हेलमेट पहनना चाहिए, यू शुड वेयर अ हेलमेट व्हाइल राइडिंग अ बाइक। एम्प्लॉइज को कंपनी के रूल्स फॉलो करना चाहिए, एम्प्लॉइज शुड फॉलो द कंपनी रूल्स। आपको जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए, यू शुड हेल्प द नीडी। शुड रिकमेंडेशन के लिए भी यूज होता है। रिकमेंडेशन मतलब आपको कोई चीज या कोई काम अच्छा लगा हो और आप उसकी तारीफ कर रहे हो और आप किसी को वो काम या कोई चीज करने की सलाह दे रहे हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको ये किताब पढ़नी चाहिए, ये काफी दिलचस्प है, यू शुड रीड दिस बुक, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। आपको ये जूते लेने चाहिए, ये बहुत कंफर्टेबल है, यू शुड बाय दीज शूज, दे आर क्वाइट कंफर्टेबल। कुड को आप किसी पास्ट एक्शन को क्रिटिसाइज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ऐसा होना चाहिए था या ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था या ऐसा नहीं करना चाहिए था, मतलब भूतकाल में किए कार्य की आलोचना। इसको अगर उर्दू में कहें तो माजी में मतलब पास्ट में किए काम की तनकीद। ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए भी हम शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप याद रखिए आपको शुड हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, उसे यूज करना है। आप शुड को पास्ट एक्शन को क्रिटिसाइज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। आइए इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आपको कॉल नहीं करना चाहिए था। मान लीजिए आप किसी इंपॉर्टेंट काम में मसरूफ है और किसी ने आपको कॉल कर दिया, तो आप उसे कह सकते हैं आपको कॉल नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपने कॉल किया। उसे होमवर्क करना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया। ऐसा करना चाहिए था या ऐसा नहीं करना चाहिए था का इस्तेमाल पास्ट में की गई गलती की आलोचना मतलब तनकीद या क्रिटिसाइज करने के लिए होता है। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में लिखने और बोलने के लिए हम शुड हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म या शुडंट हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। आइए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम्हें उस बच्चे को नहीं मारना चाहिए था, यू शुडंट हैव बीटन दैट बॉय। बीटन बीट का थर्ड फॉर्म है। तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन टू कॉलेज। चपरासी को वक्त पर घंटी बजाना चाहिए था, द पियन शुड हैव रंग द बेल ऑन टाइम। याद रखिए बीटन, गॉन, रंग, ये वर्ब के थर्ड फॉर्म है। आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। आप शुड को एक्सपेक्टेशंस मतलब उम्मीद को एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। आइए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। आपको उम्मीद है अगर कि ऐसा होना चाहिए, तो आप यूज करेंगे शुड के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। याद रखिए अगर आपको उम्मीद है कि ऐसा होना चाहिए, तो आप शुड के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। और आपको अगर उम्मीद है कि ऐसा हुआ होगा, तो आप यूज करेंगे शुड हैव और उसके साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल से समझते हैं। रवि को 4 बजे यहां होना चाहिए। आपको उम्मीद है कि रवि को 4 बजे यहां होना चाहिए, तो आप कहेंगे रवि शुड बी हियर एट 4 o'clock। अब 4 बज गए हैं और आपको उम्मीद है कि रवि आ गया होगा, तो आप कहेंगे इट्स 4 o'clock, रवि शुड हैव कम। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में दीजिए कि मान लीजिए 4 बज गए हैं
रवि नहीं आया तो आप कहेंगे 4 बज गए हैं, रवि को आ जाना चाहिए था, तब भी आप यही सेंटेंस कहेंगे इट्स 4 o'clock, रवि शुड हैव कम। अब देखिए इट्स 4 o'clock, रवि शुड हैव कम, दो अलग अलग सिचुएशंस के अंदर बोलने में आप यूज कर सकते हैं। एक तो ये 4 बज गए हैं रवि आ गया होगा, और दूसरा 4 बज गए हैं रवि को आ जाना चाहिए था। डिपेंड करता है आप कौन सी सिचुएशन में उसको यूज कर रहे हैं। आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं। आसिया को प्रोजेक्ट मंडे को खत्म कर लेना चाहिए। देखिए आपको उम्मीद है तो आप ऐसा कह रहे हैं कि आसिया को प्रोजेक्ट मंडे को खत्म कर लेना चाहिए। आसिया शुड फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन मंडे। आज मंडे है, आसिया ने प्रोजेक्ट खत्म कर लिया होगा। आपको उम्मीद है कि मंडे आ गया और आसिया ने प्रोजेक्ट खत्म कर लिया होगा, तो आप कहेंगे इट्स मंडे टुडे, आसिया शुड हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। लेकिन मान लीजिए मंडे आ गया और आसिया ने प्रोजेक्ट को खत्म नहीं किया, अब आप कहेंगे आज मंडे है, आसिया को प्रोजेक्ट खत्म कर लेना चाहिए था, मतलब उसने नहीं किया, तब भी आप यही सेंटेंस कहेंगे इट्स मंडे टुडे, आसिया शुड हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं शुड हैव और वी3 को अलग अलग सिचुएशंस में। आपको इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है, और आप अगर उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें मास्टर हो जाएंगे। शुड को हम किसी की एडवाइस लेने के लिए या किसी से सुझाव लेने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन के फॉर्म में होगा। आप शुड के साथ में आई या वी का यूज करेंगे और साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा। आइए समझते हैं, क्या मुझे उससे कॉल करना चाहिए? आप किसी से एडवाइस ले रहे हैं या सजेशन ले रहे हैं, शुड आई कॉल हिम? क्या हमें इन्हें पार्टी में बुलाना चाहिए? शुड वी इन्वाइट देम टू द पार्टी? क्या मुझे उस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए? शुड आई अप्लाई फॉर दैट जॉब? आप शुड को किसी को मदद ऑफर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसमें भी आप शुड के साथ में आई या वी और उसके साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और आखिर में क्वेश्चन मार्क आपको डालना होगा। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या मैं आपके लिए पानी ले आऊं? आप किसी को मदद ऑफर कर रहे हैं तो आप कहेंगे शुड आई गेट यू सम वॉटर? क्या मैं आपको स्टेशन तक छोड़ आऊं? तो आप कहेंगे शुड आई गिव यू अ राइड टू द स्टेशन? क्या हम आपके लिए कुछ खाना ले आए? शुड बी ब्रिंग सम फूड फॉर यू? तो इस तरह आप शुड को हेल्प ऑफर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। शुड को आप पास्ट के एक्शन को क्वेश्चन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे क्या मुझे ऐसा करना चाहिए था? क्या हमें ऐसा करना चाहिए था? रिग्रेट मतलब पछतावा या डाउट अगर आपको है किसी चीज के लिए जो आपने किया, तो आप उसको शुड के जरिए भी सवाल कर सकते हैं। जैसे शुड के साथ में आपको आई और वी का यूज करना होगा, साथ में हैव होगा, और याद रखिए हैव के साथ में आपको V3 यूज करना है, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या मुझे वो शर्ट लेना चाहिए था? मान लीजिए आप मॉल में गए हैं और आपने एक शर्ट खरीद लिया। अब आप घर आकर सोच रहे हैं क्या मुझे ये लेना चाहिए था, आपको डाउट है, तो आप क्वेश्चन करेंगे शुड आई हैव बॉट दैट शर्ट? याद रखिए बॉट यूज करना है, बॉट बाय का थर्ड फॉर्म है। क्या हमें उन्हें पार्टी में बुलाना चाहिए था? मान लीजिए आपने किसी को पार्टी में बुलाया है, अब आप सोच रहे हैं क्या उनको आपको बुलाना चाहिए था या नहीं बुलाना चाहिए था, तो आप उसको इस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं शुड वी हैव इनवाइटेड देम टू द पार्टी? इनवाइटेड इनवाइट का थर्ड फॉर्म है, आपको थर्ड फॉर्म यूज करना है यहाँ पे वर्ब का। क्या मुझे ज्यादा खाना ऑर्डर करना चाहिए था? अगर आपने अपने दोस्तों को खाने के लिए ऑर्डर किया है और अब आपको लग रहा है कि खाना थोड़ा कम पड़ रहा है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं इस तरह से शुड आई हैव ऑर्डर्ड मोर फूड? तो इस तरह आप शुड को क्वेश्चन करने के लिए भी अपने पास्ट एक्शन को यूज कर सकते हैं। तो ये सारे यूजेस शुड के थे। इस तरह आप शुड को अलग अलग सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, बाबिया फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें,
और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर जरूर करें।